शशांक ने अपना नया घर बनवाया था और आज शशांक की शादी हो रही थी। शशांक अपनी दोनों बहनों के साथ डांस कर रहा था और डांस करते समय कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी अचानक वो नीचे गिर पड़ता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और दौड़कर उसके पास जाते हैं, लेकिन शशांक बेहोश हो चुका था। शशांक की बहन तुरंत अपनी स्कूटी बाहर निकालती है और एक आदमी शशांक को पकड़ लेता है। वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। शशांक के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में 3 हॉस्पिटल थे। पहला हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था, इसलिए वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लग जाते हैं। दूसरा हॉस्पिटल 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगते हैं। तीसरा हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, जो हाईवे पर बना हुआ है, और बिना ट्रैफिक के वहाँ पे पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए। दूसरे हॉस्पिटल तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। पहले और तीसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए बराबर 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हो सकता है हाईवे पे ट्रैफिक मिल जाए तो वो 10 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए वो लोग पहले हॉस्पिटल में जाएंगे। शशांक की बहन पूरी स्पीड में स्कूटी चलाती है और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर तुरंत शशांक का चेकअप करता है और शशांक की बहन से कहता है कि शशांक की बॉडी में जहर पूरा फैल चुका है, तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। शशांक की बहन तुरंत सारे पेपर पर साइन करती है और डॉक्टर शशांक का ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और शशांक की डेथ हो जाती है। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर शशांक की सिस्टर रोने लगती है। शादी के दिन किसी ने मेरे भाई को जहर पिला दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शशांक की बहन तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर 3 ऑपरेशन थिएटर बने हुए थे। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन से रूम के अंदर जाएगा? सोचिए सोचिए। पहले और दूसरे रूम के बाहर लाल बत्ती जल रही है, इसका मतलब अंदर ऑपरेशन चालू है। लेकिन तीसरे रूम के बाहर लगी बत्ती बंद है, इसका मतलब शशांक की बॉडी उसी रूम में होगी। मेहुल तीसरे वाले रूम के अंदर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर खड़े हुए थे और शशांक की बहन रो रही थी। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। इसके बाद मेहुल शशांक की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल से लैब तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल वाले रास्ते पे बहुत सारे जंगली कुत्ते और 2 खतरनाक शेर बैठे हुए हैं। दूसरा रास्ता हाईवे वाले रास्ते से होकर जाता है, लेकिन ये काफी लंबा रास्ता है। तीसरा रास्ता शॉर्टकट वाला रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत ही नुकीले पत्थर और कांटे पड़े हुए हैं, गाड़ी पंचर हो सकती है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? सोचिए सोचिए। मेहुल तीसरे वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि गाड़ी पंचर हो सकती है और दूसरा वाला रास्ता काफी लंबा है, इसलिए मेहुल पहले वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि पहले वाले रास्ते पर जंगली कुत्ते तो है और शेर भी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों साथ में वहाँ हो। जंगली कुत्ते और शेर कभी साथ में नहीं हो सकते। जंगली कुत्तों को देखते ही शेर उन पर हमला कर देगा और जंगली कुत्ते वहाँ से भाग जाएंगे और शेर उनका पीछा करेगा, और वैसे भी मेहुल कार में होगा तो खतरा नहीं होगा। मेहुल पहला रास्ता लेता है, डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। मेहुल शशांक की डेड बॉडी लेकर लैब के दरवाजे पे पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस, क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। वैसे तो ये चारों स्पोर्ट्स के नाम है, लेकिन कबड्डी को छोड़कर बाकी तीनों स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाली चीजों का यूज होता है, जैसे बॉल, बैट, फुटबॉल और आदि, लेकिन कबड्डी में किसी भी चीज का यूज नहीं होता है। अगर आपको कोई और ऑप्शन सही लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेहुल एक नंबर वाला बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। डॉक्टर संजना, जल्दी से इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करो और मुझे बताओ इसकी मौत कैसे हुई है। हाँ मेहुल, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक मशीन में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और
उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है डॉक्टर, जब तक मैं शशांक के घर पर जाकर पूछताछ करता हूँ। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर शशांक के घर के लिए निकल जाता है। मेहुल शशांक की बहन को कॉल करता है। तब शशांक की बहन मेहुल को शिवाजी नगर में आने के लिए कहती है। मेहुल शिवाजी नगर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 घरों में शादियों की तैयारी थी। शशांक की बहन ने बताया था कि उसके भाई की शादी हो रही थी और उसका घर पूरा सजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो 3-3 घर सजे हुए हैं। अब भला शशांक का घर कौन सा होगा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं कि शशांक का घर कौन सा होगा? वैसे तो तीनों घर चमक रहे हैं, लेकिन दूसरे घर को छोड़कर पहले और तीसरे घर में खाना पीना चल रहा है और धूमधाम मची हुई है, लेकिन दूसरे घर पे सन्नाटा फैला हुआ है। इसका मतलब यही घर शशांक का होगा, क्योंकि शशांक की डेथ हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे इतनी शांति है। मेहुल शशांक के घर पहुँच जाता है। मेहुल वहाँ सभी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। शशांक की बहन कहती है, भैया बहुत अच्छे थे और उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। शशांक को जहर देके मारा गया है। उसने आखिरी बार क्या खाया था? सर, भैया ने आखिरी बार कोल्ड ड्रिंक पी थी। डांस करते समय वह कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और तभी अचानक नीचे गिर गए। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेकर डॉक्टर चन्ना के लैब में भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल के पास डॉक्टर चन्ना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है, शशांक को कोल्ड ड्रिंक के साथ जहर नहीं दिया गया है, बल्कि उसे एक स्लो पॉइजन दिया गया था, जो मरने के ठीक 2-3 घंटे पहले दिया गया होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जहर 2-3 घंटे पहले दिया गया है। मेहुल शशांक की बहन से पूछताछ करता है तो उसकी बहन बताती है, सर भैया 2-3 घंटे पहले हमारी होने वाली भाभी रीता से मिलने गए थे और फिर वापस आ गए। लगता है शशांक जिस लड़की से शादी करने वाला था, उस लड़की ने शशांक को जहर दे दिया है। मुझे उसके पास जाकर पूछताछ करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी से रीता के घर पहुंच जाता है। वहां पर भी घर सजा हुआ था और घर के बाहर धूम मची हुई थी, बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। लगता है इन लोगों को पता नहीं कि शशांक मर चुका है, इसके अभी भी शादी के मजे ले रहे हैं। मेहुल रीता से पूछताछ करता है तो रीता बताती है, कुछ पता नहीं कि शशांक को जहर किसने दिया है। शशांक 2-3 घंटे पहले तुमसे मिलने आया था, सच सच बताओ यहाँ पर क्या करने आया था? सर मेरी फैमिली के ऊपर बहुत कर्ज है, इसीलिए शशांक मुझे 1,00,000 रुपये देने आया था ताकि शादी में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि रीता को शशांक के मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। मेहुल ने जैसे ही रीता को शशांक के मर्डर के बारे में पूछा तो रीता ने मेहुल से कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता है कि शशांक को जहर किसने दिया। अब भला रीता और उसकी फैमिली को शशांक के मर्डर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो रीता को ये कैसे पता चल गया कि शशांक की मौत जहर खाने की वजह से हुई है? यहीं से मेहुल समझ जाता है कि रीता को शशांक के मर्डर के बारे में पहले से पता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। रीता रोने लगती है और मेहुल को सारी सच्चाई बता देती है। सर जैसे ही शशांक मुझे पैसे देकर चला गया, उसके 3 घंटे बाद मगन का फोन आया था और मगन मुझसे कह रहा था कि उसने रास्ते में शशांक को लस्सी के साथ जहर पिला दिया था। ये मगन कौन है? सर मगन मेरा और शशांक का बहुत अच्छा दोस्त है और मगन मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने शशांक के साथ शादी करने का फैसला किया, इसलिए उसने शशांक को मार दिया। जब तुम्हें शशांक के बारे में पता चला था तो फिर तुमने शशांक के घर वालों को क्यों नहीं बताया? सर जैसे ही मुझे पता चला तो तुरंत मैंने शशांक की बहन को कॉल किया था, लेकिन तब तक शशांक मर चुका था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बहुत डर गई थी। मेहुल तुरंत शशांक की बहन को कॉल करके पूछता है तो शशांक की बहन बताती है कि जब उसके भैया की मौत हुई उसके 5 मिनट बाद ही रीता का कॉल आया था। इसका मतलब रीता सच बोल रही है, मुझे मगन को पकड़ना होगा। मेहुल मगन को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन मगन को पहले से पता था कि रीता पुलिस को सच्चाई बता देगी, तो मगन घर छोड़कर भाग गया था। लेकिन मेहुल भी जासूसों का जासूस था, वह अपने खबरियों से पता कर लेता है, तो उसे पता चलता है कि इस वक्त वो शहर के बाहर एक खंडहर में छुपा हुआ है। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 खंडहर बने हुए थे। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन से खंडहर में मगन हो सकता है? अच्छे से सोचना। पहले वाले खंडर में देखिए अंदर जाने के पैरों के निशान बने हुए हैं, लेकिन बाकी 2 खंडरों में आने और जाने दोनों के पैरों के निशान हैं। मतलब कोई पहले खंडर में छुपा हुआ है।
मेहुल उसके अंदर जाता है तो अंदर मगन बैठकर शराब पी रहा था। मेहुल उसे जोरदार किक मारता है और उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्टेड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।